القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحاولت أن أشرح شرحا يفصل مجملاته ويبين معضلاته وينشر مطوياته ويزهر مكنوناته مع توجيه للكلام في تنقيح وتنبيه على المرام في توضيح وتحقيق للمسائل غب تقرير وتدقيق للدلائل إثر تحرير وتفسير للمقاصد بعد تمهيد وتكثير للفواعد مع تجريد طاويا كشح المقال عن الإطالة والإملال ومتجافيا عن طرفي الاقتصاد والإذناب والإخلال. ये मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दमा चल रहा था जिसको उर्दू में पेशे लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है, और इसके अंदर सहवी किताब ने अपनी इस शरह की वजह तालीब बयान की है कि उन्होंने अल्लामा उमर नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की अलाकायद नामी रिसाले की शरह शरह अकायद के नाम से क्यों की, और उसका खुलासा ये था अब तक जो हमने सबक पढ़ा कि अल्लामा उमर नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब अलाकायद है वो बहुत ही उम्दा बेहतरीन हुस्न तरतीब और हुस्न तंजीम के साथ एक बेहतरीन रिसाला और एक बेहतरीन किताब थी। अब यहाँ से ये बता रहे हैं कि जब मैंने देखा तो मेरे दिल के अंदर बात आई कि रिसाला अगरचे बहुत ही बेहतरीन है लेकिन ये मुख्तसर सा रिसाला है और इसकी शरह की ज़रूरत है, तो उसी को उन्होंने यहाँ इस इबारत के अंदर बयान किया है। और इसके अंदर उन्होंने जो है बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, थोड़ा इसको गौर से पढ़ेंगे हम। और सबका खुलासा ये है कि मैंने उसकी शरह की और इस तरह शरह की कि उसके एक एक गोशे को, उसकी एक एक इबारत को, उसकी एक एक मसाइल को हमने खोल खोल के बयान कर दिया है। और उसके अंदर न मैंने इतनी ज़्यादा तबादत रखी है कि पढ़ने वाला उकता जाए, और न इतना ज़्यादा इख्तसार रखा है कि पढ़ने वाला तिश्ना रह जाए, बल्कि जो चीज़ जिस दर्जे की थी उस दर्जे में मैंने रखा है और उसकी बेहतरीन शरह की है। फ़हावल तो हावला युहावल मुहावलतन मुफ़ाल से आता है इरादा करना, अशरहु शरह करना शरह बाब फतह से आता है, इफ़स्ल फ़स्ल फ़स्ल बाब तफ़ईल से है, खुला तफसील बयान करना इजमाल की वजाहत करना जो मुजमल इबारत हो उसको खोल खोल के बयान करना, और मुजमल कहते हैं कि जिसकी वजाहत की ज़रूरत हो और वो मुजमिल की तरफ से भी हो सकता है, वयुबैन मज़लाती ही बैन बैन तबीन के माने खोलना खोल खोल कर बयान करना शरह करना, और मज़िलात है ये मज़ला की जमा है मुश्किल बातें, वयनशु नशरु माने खोलना, मतवियात ये मतवियत उनकी जमा है पेचीदा बातें, वयुज़हिरु अज़हरा युज़हिर बाबे फ़ाल से है ज़ाहिर करना, मकनूनात ये मकनून की जमा है पोशीदा बातें, एक हदीस है जो मौजू है कुंतु कंज़न मख़फ़ियन, इसमें कलाम मुहद्दिसीन का कि मैं एक हदीस क़ुदसी है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, तो उसके अंदर जो मकनून है वो भी इसी माने के में पोशीदा के माने में है, मा तवजीह कलाम वज्जह युवज्जिहु तवजीहन बाबे तफ़ईल का मज़हर है लुग़वी माने है रुख फेरना मुतवज्जे करना, और इस्लाही माने है बात को वाज़े करके समझाना, तनकीह नक़ तनकीहन के माने आते हैं खोल खोल के बयान करना, तंबीह नब्बे नब्बे तंबीन बाबे तफ़ईल के मज़हर है तंबीह करना, मराम के माने मकसद के आते हैं, तौज़ीह के माने वजाहत के आते हैं, तहक़ीक हक़ का युहक़्क़िक़ु तहक़ीक़न बाबे तफ़ईल से साबित करना पुख्ता करना, किसी मसले को दलील से साबित करने को तहकीक कहा जाता है। और इसके बाद आ रहा है ना गिब्बा तकरीर मसाइल मसला की जमा है गिब्बा के माने बात, तकरीर के माने साबित करना, और तदकीक जो है ये इसके माने आते हैं बारीक बीनी से काम लेना, दक्क़ तदकीकन बाबे तफ़ईल का मज़दर है, और इसके माने आते हैं इस्तिलाहन मुराद दलील से साबित करना।
तो दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया तहकीक, तहकीक कहते हैं मसाइल को दलील से साबित करना, और तहकीक तहकीक कहते हैं दलाइल को दलील से साबित करना। इस तरह के मैंने बात तहरीर के माने लिखने के आते हैं। व तफसीर लिलमकासिद बाद तमहीद, तमहीद दुरुस्त हमवार करना बाद तफ़ील का मसर भी। व तकसीर लिलफवाइद मा तजरीद, तजरीद कहते हैं हश्व ज़वाइद से खाली करना, जैसे हमने कोई पौधा लगाया खूबसूरती के लिए, जो गार्डन बनाया जाता है, पार्क बनाया जाता है, तो उसके अंदर जो पौधे लगाए जाते हैं तो उसके अंदर जो शाखें होती हैं, यानी जो जो ज़रूरत से ज़ायद होती हैं, जो खूबसूरती के अंदर मुखिल होती हैं, उनको माली काट काट कर जो है हमवार कर देता है, उसे तजरीद कहते हैं। तावियन कशह अल-मक़ाल अनिल इतालती वल इमलाल, कशहन के माने आते हैं पहलू और मकाल के माने आते हैं गुफ्तगु, इताला के माने आते हैं लंबा करना बाबे फाल से, और इमलाल के माने आते हैं तंग करना, उकता देना। व मुतजाफियन अन तरफ़ील इक्तिसादी वल इतनावी वल इखलाल, इतनाब कहते हैं कलाम को ज़रूरत से तवील करना, और इखलाल कहते हैं कलाम को इतना मुख्तसर कर देना जो मुराद के समझने में वक्त क्या कहते हैं मुखिल हो जाए। वल्लाह वल हादी ला सबील रशाद वल मसूल लिल इस्मत, नैलुल के मनाते हैं पाना, हासिल करना, हासिल होना, और इस्मत के मनाते हैं गुनाहों से बचने का मलका, पाकदामनी को भी कहा जाता है, और सदात के मनाते हैं रास्त गोई, दुरुस्त और ठीक बात। अब इसका हम तर्जमा कर लेते हैं, तो गौर से तर्जमा देखें। فحاولت ان اشرح شرح لفصل مجملاته, तो मैंने इरादा किया, अल्लामा सादुद्दीन तब्तालिन कहते हैं कि जब मैंने अलाकाई नामी किताब पढ़ी तो मेरे दिल के अंदर ये बात आई कि अन अशरह शरह फसल मुजमलाती ही, कि मैं इस अलाकाई नामी किताब की ऐसी शरह करूँ यू फसल मुजमलाती ही जो उसकी मुजमल बातों को खोल खोल कर बयान कर दे, वयुबैन मौज़िलाती ही और उसकी मुश्किल बातों को वाज़े कर दे। मौज़िलात, मौज़िलात ज़ुआत के कसरे के साथ, वयुबैन मौज़िलाती ही और मौज़िलात मुश्किल बातें, और बैना वाज़े करना, और उसकी मुश्किल बातों को वाज़े कर दे। वयनशुर मतवियाती ही, मतवियात पेचीदा बातें, और उसकी लिपटी हुई बातें पेचीदा बातों को फैला दे। वयुज़हिरु मकनूनाती ही और उसकी पोशीदा बातों को ज़ाहिर कर दे। ये पूरी इबारत जो है इसका उर्दू में मुख्तसर तर्जुमा ये करेंगे हम, मतलब ये बयान करेंगे कि उन्होंने एक ऐसी शरह की जो अलाकाई नामी किताब को खोल खोल कर बयान कर दे, उसकी इबारत को, उसके तमाम मसाइल को वजाहत के साथ बयान कर दे। मा तवजीह लिल कलाम फ़ी तनक़ीह, कलाम को मकसूद की जानिब मुतवज्जेह करने के साथ, वज्जह युवज्जिहु तवजीहन बाय तफ़ील का मस्दर है, और इसके माने आते हैं रुख फेरना, मुतवज्जे करना। तो मा तवजीह लिल कलाम फ़ी तनक़ीह, कलाम को, बात को मकसूद के जानिब मुतवज्जह करने के साथ उसको मुनक्कह करने के दौरान फ़ी तनक़ीह, उसको मुनक्कह करने के दौरान। व तंबीह अलल मराम फ़ी तवज़ीह, और मकसद पर तंबीह करने के साथ, व तंबीह अलल मरामी, और मकसद पर तंबीह करने के साथ फ़ी तौज़ीह, उसके वाज़ह उसकी वजाहत के दौरान। व तहक़ीक़ लिलमसाइल गिब्बा तक़रीर, और मसाइल को साबित करने के साथ उन्हें बयान करने के बाद, गिब्बा बात तक़रीर बयान। व तहक़ीक़ लिलमसाइल, और मसाइल को साबित करने के साथ, गिब्बा तक़रीर उन्हें बयान करने के बाद। व तहक़ीक़ लिद्दलाइल इथरा तहरीर, और दलाइल की बारीकियाँ बयान करने के साथ, इत्र तहरीर उनके लिखने के बाद। तो मतलब ये है कि पहले जो है मसाइल को दलाइल साबित करेंगे, फिर दलाइल को दलाइल साबित करेंगे। व तदकीक़ लिद्दलाइली, और दलाइल की बारीकियाँ बयान करने के साथ, इत्र तहरीर उन्हें लिखने के बाद। व तफसीर लिलमक़ासिदी, व तफसीर लिलमक़ासिदी बाद तमहीद, और मकसूद मसाइल की तफसीर के साथ, बाद तमहीद तमहीद के बाद।
व तकसीर लिल फवाइद मा तजरीद, और ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बात बयान करने के साथ, व तकसीर लिल फवाइद, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद बयान करने के साथ, मा तजरीद उन्हें हश्व ज़वाइद से खाली करने के साथ, तावियन कशह अल मकाल अन अल इतालत वल इमलाल, कलाम को तूल लेने और तूल लेकर उकताहट पैदा करने से पहलू तही करते हुए, पहलू तही यानी दामन बचाना, बचना। मिसाल के तौर हम जा रहे हैं और रास्ते से सामने से कोई कुत्ता आ जाए मिसाल के तौर पर, तो हम क्या करते हैं, उससे हट कर चलते हैं, तो उसको कहते हैं पहलू तही करना। व तावियन कशह अल मकाली, गुफ्तगू को तूल लेने और तूल लेकर उकटाहट में मुबतला करने से पहलू तही करते हुए, किनारा कशी अख्तियार करते हुए, व मुतजाफियन अन तौरफ़ील इक्तिसाद वल इतनाब वल इखलाल, और मियाना रवि के दोनों जानिब, इक्तिसाद कहते हैं मियाना रवि को, मियाना रवि यानी इफरात और तफरीत के दरमियान, जैसे ना खैर उमूर वासितुहा हदीस के अंदर आया कि बेहतरीन काम हुआ है जो मुतवस्सित हो, ज़्यादा हो न कम हो, तो मुतजाफियन तरफ़ील इक्तिसाद, और मियाना रवि के दोनों जानिब, क्या क्या है मियाना रवि के दो जानिब, एक है इतनाब और एक इखलाल। इतनाब और इखलाल की तफसीर कर दी हमने। इतनाब कहते हैं कलाम को ज़रूरत से ज़ायद तवील करना, ज़रूरत नहीं है आदमी लंबी लंबी बातें करे, और इखलाल कहते हैं इतना इख्तसार करना कि आदमी उकता जाए, यानी ज़रूरत से कम बातें करना। तो दोनों जो है नापसंदीदा है, जहाँ ज़रूरत, जहाँ कलाम को तूल देने की ज़रूरत हो तूल लिया जाता है, जहाँ इख्तसार की ज़रूरत हो इख्तसार से कम लिया जाता है। तो और इख्तसार के दोनों मुतजा के अन तरफ इख्तसार, और एक मियाना रवि की दोनों जानिब या इक्तिसाद के दोनों जानिब, पहला इतनाब और इखलाल, इन दोनों से किनारा कशी पहलू तही करते हुए, अल्लाहुल हादी इला सबील रशाद, और अल्लाह ही सही बात की तरफ रहनुमाई करने वाला है, वल मसूल लिनिल इस्मत वस्सदाद, और उसी से गलती से हिफाजत और बात की दुरुस्तगी पाने की दरख्वास्त की जाती है। अल्लाह ताला ही हमें बेहतरीन रास्ता दिखा सकता है, और इंसान तो ये गलतियों का पुतला है, उससे गलतियाँ हो ही जाती हैं, मगर अल्लाह का तौफीक दे तो आदमी गलतियों से महफूज रहता है। वो हस्बी व निअमल वकील, और मुझको काफ़ी है और बेहतरीन।